आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मंदी की आशंका के बीच कच्चे तेल का भाव लगातार गिरने लगा है। 5 जुलाई को भी इसमें भारी गिरावट आई है। बीते दिन अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड ऑयल का दाम $100 प्रति बैरल से नीचे आ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक मंदी की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों की मांग में गिरावट आ सकती है। वहीं मंदी की वजह से क्रूड ऑयल के रेट में गिरावट देखी जा रही है। इस बीच विदेशी ब्रोकरेज फर्म सिटी ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल तक गिर सकती है। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्रूड 8.4% यानी $9.14 की गिरावट के साथ $99.29 प्रति बैरल पर आ गया है। इससे पहले मई में इंटरमीडिएट क्रूड का भाव $100 प्रति बैरल से नीचे गिरा था। वहीं सिटी ग्रुप का दावा है कि क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट सिर्फ इस साल नहीं बल्कि अगले साल भी जारी रह सकती है। 2023 के अंत तक क्रूड ऑयल का भाव गिरकर बता दें $45 प्रति बैरल तक आ सकता है। वहीं रॉयल्स की एक रिपोर्ट में सिटी ग्रुप के हवाले से कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि 2022 और 2023 में रूसी कच्चे तेल निर्यात मजबूत बना रह सकता है। सिटी ने कहा कि आगे वैश्विक कच्चे तेल की मांग में कमजोरी से इन्वेंट्रीज बढ़ जाएंगी, इस वजह से आगे चलकर कीमतें और कमजोर हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।